मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अब तक डेंगू के 251 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त में ही 58 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग चिंतित हो उठा है और इन्होंने रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है। मानसून शुरू होने के साथ ही शहर में जानलेवा वेक्टर जनित बीमारियां बढ़ रही है, जिनमें डेंगू सबसे आम। देखिए, अगर हम डेंगू की बात करें तो अभी तक जिले में जनवरी 2024 से लेकर आज दिनांक तक 251 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। इसमें 151 पुरुष, साथ ही इसमें 100 महिलाएं शामिल हैं और इसमें 23 बच्चे भी हैं। वहीं अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के अभी तक जो है 5 केस रिपोर्ट हुए हैं। जहाँ भी हमें डेंगू मरीज पॉजिटिव की जानकारी मिल रही है, वहाँ पर हमारी टीम द्वारा लगातार एक्टिविटी की जा रही है और संबंधित क्षेत्र में जो है एंटीलारवल एक्टिविटी करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में लगभग जो है 27 डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं अगर हम अगस्त की बात करें तो 1 अगस्त से लेकर आज दिनांक तक जो है 58 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। हमें जहाँ कहीं से जानकारी मिल रही है, हमारी टीम द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोगों से हमारी अपील है कि जो डेंगू और मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है, ये साफ़ और रुके हुए पानी में पनपता है, तो हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे घर और आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना हो। 7 दिन से ज़्यादा का पानी जब इकट्ठा होता है तो ये डेंगू और मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है पनप जाता है। इसमें ये अंडे देकर, तो अंडे देने के बाद इसका लार्वा बनता है। तो हम समय समय पर साफ़ सफाई रखें, और 7 दिन से पानी अगर ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो या तो हम उस पानी को बदल दें या उस पानी को ढक कर रखें। लार्वा अगर नहीं पनपेगा तो डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर भी जो है नहीं, उनकी उत्पत्ति हो पाएगी और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से हम बच सकेंगे। साथ ही हमें सावधानी ये भी अपनानी चाहिए कि सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को पूरी तरह से ढके ताकि मच्छर के काटने से हम अपने आप को बचा सकें। ये छोटी छोटी सावधानियां अगर हम अपनाएंगे तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से हम बच सकेंगे। दौलत पटेल, जिला मलेरिया अधिकारी, इंदौर।